की हाले? ठीक हो ना? पब्लिक कितना? सब ठीक ठाक ने? खैरियत ने? तो फाइनली यार, बड़ी लॉन्ग इंतजार के बाद यार फाइनली हमारा जो है वो एडमिशन लेटर का एक स्टेप आगे चले गया है और फाइनली हमारा इवेल्युएशन रिपोर्ट आ चुका है यार यूनियसिस्ट की तरफ से, जो कि मैंने अप्लाई किया था। मेरे दोनों एडमिशन जो है फाइनली वो गए हुए हैं जर्मन की यूनिवर्सिटियों के अंदर, और फाइनली अब मेरे ख्याल से 3 और 4 वीक्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह मुझे पहला मेरा एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं आप सबको भी कहता हूँ और मैं ख़ुद के लिए भी दुआ कर रहा हूँ कि मुझे फ़ाइनली वो एडमिशन मिल जाए। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह मेरा प्रोसीजर गुजरा और क्या क्या मुझे चीज़ें फेस करना पड़ी डायरेक्ट पीसी के अंदर। तो यार सबसे पहले यूनिसिस्ट वेबसाइट है, ठीक है, इसका आपको पता ही होगा। जर्मनी में दो सिस्टम है अप्लाई करने के, तो आपने यूनिसिस्ट वेबसाइट पे साइन अप कर लेना और उसमें लॉगिन कर लेना। और जैसे ही आपकी डेट आपको मिल जाएगी तो फिर आपने यहाँ पर सर्च आउट करके यूनिसिस्ट में और आपने अप्लाई करना है। जिस तरह के मैंने इस वक्त कितने ही सब्जेक्ट्स में मैंने अप्लाई किया था, 2-3 में मुझे रिजेक्शन भी मिली है और 2 सब्जेक्ट्स में इस वक्त मेरी जो है वो आगे PDF गई हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनल एडमिशन के लिए। और इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी अपडेट करूँगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि यार इसके अंदर किस तरह आपने अप्लाई करना है। इनकी एक दाद स्कॉलरशिप होती है जो स्टूडेंट्स को मिलती है, और दाद वेबसाइट के ऊपर ही सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, या कोई भी IT की फील्ड हो, कंप्यूटर साइंस हो, तो वहाँ पर आप उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट दी होती है। जो बच्चा उस रिक्वायरमेंट पर उतरता है वो फिर उसकी वो फिर अप्लाई करता है, और जब वो अप्लाई करता है तो 3 से 4 हफ्ते बाद ये यूनिसिस्ट वाले रिपोर्ट देते हैं PDF में, जैसे मुझे आई है। और जैसे PDF आती है तो फिर उसके बाद एडमिशन आपका यूनिवर्सिटी चले जाता है। और इनकी पेमेंट की फ़ीस होती है यूनिसिस्ट वालों की, के पहली पेमेंट जो होगी वो 75 यूरो की, जो कि मेरी ऑलमोस्ट 16,000 रुपया बनी थी। दूसरी, तीसरी और उसके बाद जितने भी आप एडमिशन भेजेंगे यूनिवर्सिटीज़ को, वो तकरीबन आपकी 30 यूरो जो है पर एप्लीकेशन जो होगा ना वो आपकी चार्ज करेंगे ये यूनिवर्सिटीज़ वाले। तो ये ऑनलाइन डेबिट कार्ड से आपने आराम से पेमेंट कर देनी है। 3 से 4 हफ्ते वेट करना है, जैसे मैंने वेट किया हुआ है। चूँकि अब मैंने ये 3 से 4 हफ्ते वेट करने के बाद भी, अब मुझे तकरीबन 3 से 4 हफ्ते डेडलाइन के बाद उन्होंने बताया है कि जैसे ही आपकी डेडलाइन ख़त्म होगी तो आपको फिर हम लोग एडमिशन का बताएंगे कि आइदर यू हैव गॉट द एडमिशन और नॉट। तो यहाँ पर ये उनकी दाद वेबसाइट है जो कि मैं अभी आपको खोल के दिखा रहा हूँ। अरे भाई जल्दी ऑन हो जा, तो यहाँ पर आ जाना है और ये इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के अंदर आ जाना है। और भाई आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, IT है, डॉक्टर डॉक्टर की तरफ हो या इंजीनियरिंग की तरफ हो, जिस तरफ भी हो, आपने स्कॉलरशिप देख लेनी है जर्मनी के लिए और बाहर जाने के लिए और जर्मनी के अंदर के लिए। तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पे और यहाँ पर सर्च कर लेना। फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरी सिविल इंजीनियरिंग है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चूज़ किया मास्टर्स, और फिर उसके बाद मैंने इस तरह इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट चूज़ करके इंग्लिश में सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसमें अब वो प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं जो कि जिसके पर सेमेस्टर फीस है, और वो प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में देखें कि ऑलमोस्ट ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं सारे सिविल इंजीनियरिंग के हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जो 7 बैंड रिक्वायरमेंट वाले भी हैं, और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनके 5.5 बैंड या 5 बैंड या 6 या 6.5 बैंड। तो आपने क्या करना है कि इन सब की यूनिवर्सिटीज़ का नेम लिख लेना है एक पेज के ऊपर, और उनके उनका बैंड रिक्वायरमेंट और ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर उनको जितने आपके मार्क्स हैं उसके मुताबिक रिफाइन कर लें। और बहुत से ऐसे होंगे एडमिशन जो कि आपको यूनिवर्सिटीज के थ्रू भेजने होंगे, जैसा कि अभी ये नीचे दिखा रहा हूँ मैं आपको कि यार इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और यूनिवर्सिटीज पे नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यार आपने यूनिवर्सिटीज लेना है और इनकी रिक्वायरमेंट वगैरह आपको, जैसे कि सब्जेक्ट अभी दिखा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे सब्जेक्ट भी होंगे जो लाइक अब देखो ना, उसने यूनिवर्सिटीज पे दिखाया है, तो वो यूनिवर्सिटीज पे आप जाके पेस्ट करोगे, वहाँ से सिलेक्ट करो और वहाँ से पेमेंट कर दो। तो ये आपका एक प्रोसीजर, ये स्टेप निकलाएगा। अब दूसरा क्या है कि आपको कन्फर्मेशन मेल भी आ जाएगी। जैसे मुझे, मैंने 2 सब्जेक्ट में अप्लाई किया था, ये 2 सब्जेक्ट डिफरेंट है जो कि दो
एक ऊपर वाली रो में और एक नीचे वाली रो में मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ कि ये दो सब्जेक्ट के अंदर मैंने रिसेंटली अप्लाई किया था। जैसी कंफर्मेशन आ जाएगी तो इसके 3 से 4 हफ्ते बाद आपको इंशाल्लाह पीडीएफ में एक मेल आएगी यूनिसिस वालों की तरफ से, आइदर यू हैव सब्जेक्टेड फॉर, मतलब जो भी आपने, अगर आपको वहाँ पे एडमिशन मिलना हुआ तो वहाँ चले जाएगा। और जैसा कि मैं, मुझे मेल आई थी, मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये मैं ऑन कर रहा हूँ पीडीएफ। तो ये वो पीडीएफ है जो कि मैंने जब अप्लाई किया था यूनिसिस पे, तो फिर मुझे ये पीडीएफ मिली थी तकरीबन 3 से 4 हफ्ते बाद, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने मेरी वैल्यूएशन रिपोर्ट और मेरा नाम वगैरह लिख के उन्होंने मुझे बताया है कि यार आपने क्या किया हुआ है, कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, किधर अप्लाई कर रहे हो। और इसमें मुझे पहली पे रिजेक्शन लगी थी, 3 मैंने सब्जेक्ट में एक साथ अप्लाई किया था, और जो पहला सब्जेक्ट में अप्लाई किया था उसमें रिजेक्शन लग गई थी क्योंकि उसमें मेरे पास प्रपोजल नहीं था। अच्छा, जैसा कि अभी मेंशन है इसमें के पास, आपके पास प्रपोजल नहीं है मास्टर थीसिस का, तो इसलिए हम आपको रिजेक्शन लगा रहे हैं। जबकि बिल्कुल उसी के नीचे वाटर इंजीनियरिंग और उसके नीचे एक्सेस प्रोग्राम, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, उसमें मेरा जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी को भेज दिया गया हुआ है। अब जैसे यहाँ से यूनिवर्सिटी को एडमिशन भेज देते हैं ना ये लोग, फिर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि वो डेडलाइन ख़त्म होने के बाद आपको एडमिशन दे, या जैसे ही आपका ये लेटर आ जाएगा तो उससे 3 से 4 हफ्ते बाद आपको एडमिशन दे। तो अब इसका वेट है, जैसे कि मेरा मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग का, मुझे अभी वाटर इंजीनियरिंग का और दोनों एक्सेस, ये एडवांस कंप्यूटेशनल जो तीसरा सब्जेक्ट था इसका भी मुझे मेल आ गया हुआ है, और यूनिवर्सिटी वालों ने, दोनों यूनिवर्सिटियों ने कहा है कि हम अपनी डेडलाइन ख़त्म होने के 3 से 4 हफ्ते बाद आपको जवाब देंगे, आइदर यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम और यू हैव बीन रिजेक्टेड। तो मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है, क्योंकि जो जो उन्होंने मांगा था मैंने वो दे दिया, बल्कि इससे ज़्यादा भी दिया। जो मेरे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स थे, या मेरे पास आइट्स का सर्टिफिकेट था, या मेरे पास पुलिस सर्टिफिकेट था, या यूनिवर्सिटी से मेरे पास कोई सर्टिफिकेट थे, तो वो मैंने सारे ही इनको प्रोवाइड किए हैं, और मोटिवेशन लेटर भी इन्हें प्रोवाइड किया है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारी वीडियो बनाने का मेन मकसद सिर्फ आप लोगों को गाइड करना था, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग एजेंटों से बहुत ज़्यादा जलील होते हैं, या एजेंट हमारे पैसे मार जाते हैं, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मेरा मकसद या इस वीडियो को बनाना पैसे कमाना मकसद नहीं है, सिर्फ आप लोगों को गाइड करना मकसद है कि यार किस तरह आप लोग भी जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जिस तरह इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के लोग पढ़ सकते हैं, तो व्हाई नॉट पाकिस्तानी कैन स्टडी अब्रॉड। तो